हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रामस्वरूप स्वामी। आज जो अपन डिस्कस करेंगे रिग्रेशन ऑफ इक्वेशन, और इससे पहले जो वर्क किया है कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन और जो भी डेटा प्रोबेबिलिटी के बेस पर, तो आप वो प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लें। आपको तो प्ले लिस्ट बनी हुई है सबके लिए। तो यहाँ देखिए रिग्रेशन होता क्या है। रिग्रेशन क्या है, टू जो वेरिएबल है, टू या मोर देन वेरिएबल में जो रिलेशन होता है उसी को रिग्रेशन कह रहे हैं। ए रिग्रेशन मॉडल इज ए मैथमेटिकल इक्वेशन दैट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। क्लियर है? तो दैट मींस इफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू एंड द मोर देन टू वेरिएबल इज नॉन एज रिग्रेशन। ठीक है, अब अपन जो सिलेबस में बात करेंगे अपन यहाँ लीनियर रिग्रेशन, लीनियर मतलब लाइन की बात करते हैं अपन। तो ए सिंपल रिग्रेशन मॉडल दैट गिव ए स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल सेड टू बी लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ये तो अपने पास था लीनियर, तो अपन यहां इसकी बात करेंगे लीनियर रिग्रेशन की। तो लीनियर रिग्रेशन में क्या आता है, अपने पास टू इक्वेशन लेते हैं अपन। ठीक है, रिग्रेशन ऑफ लाइन क्या रहती है, टू टाइप की रहेगी। क्या लिख देता हूं, रिग्रेशन ऑफ लाइन, रिग्रेशन ऑफ लाइन क्या रहती है अपने पास, इट इज टू टाइप, इट टू टाइप, टू टाइप। फर्स्ट है रिग्रेशन ऑफ लाइन वाई ऑन एक्स, ना जहां पर क्या होगा अपने पास y की जो वैल्यू x पे डिपेंड करेगी, यानी x इंडिपेंडेंट होगा और y की वैल्यू उसके कोरिस्पोंडिंग फाइंड आउट करते हैं। लिखिए आप, तो रिग्रेशन ऑफ लाइन, रिग्रेशन ऑफ लाइन y ऑन x, ठीक है, क्या है रिग्रेशन ऑफ लाइन y ऑन x। तो जनरली क्या होती है, ये वाली जो इक्वेशन वो यही आएगी अपने पास, y इज इक्वल टू a प्लस bx, है ना, इस टाइप की इक्वेशन ही रहती है। तो इसको ड्राइव करके ये जो मैं डैट लाइन बनाऊ है, तो क्या होगा रिग्रेशन ऑफ लाइन y मोड क्या होता है, y माइनस का y बार इज इक्वल टू, यहां पर मैं लेता हूं b, ये कोफिशिएंट लेता हूं यहां पर b y x और ये x माइनस का x बार। जब ये इसको कहेंगे रिग्रेशन ऑफ लाइन y ऑन x, इसी से जनरेट होती है, ये फॉर्मूला नहीं आता अपने पास, डैट में भी बात करेंगे अपन। तो y बार x बार क्या होता है, मीन ऑफ x और मीन ऑफ y है, x बार एंड y बार भी द मीन ऑफ x एंड y हो गया। अब क्या रहता है अपने पास, वेयर byx, ये क्या था अपने पास कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट होता है अपने पास byx, क्या रहता है r सिग्मा y अपॉन अपॉन सिग्मा x, ये होता है रिग्रेशन कॉफिशियंट। क्लियर, रिग्रेशन कॉफिशियंट, रिग्रेशन कॉफिशियंट। ठीक, तो क्या होता है जहां बी वाई एक्स क्या है, आर सिग्मा वाई कौन सिग्मा एक्स, आर क्या होता है कोरिलेशन कॉफिशियंट, आर इज ए कोरिलेशन कॉफिशियंट, आर का मतलब कोरिलेशन कॉफिशियंट, कोरिलेशन कॉफिशियंट। इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 ले लें आप, ठीक है, ये मेरे पास 2 आ जाएगी, रिग्रेशन आ गया रिग्रेशन कोएफिशिएंट सिग्मा एन, सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई ये रहता है। अब इसी टाइप से अपने पास एक रिग्रेशन ऑफ लाइन वाई ऑन एक्स है, इसी टाइप से वाई एक्स ऑन वाई भी होती है, सेम इसी टाइप से एक्स और वाई भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो लेंगे अपन, यानी इक्वेशन 1 इस फॉर्म से आ जाएंगे अपने पास, इक्वेशन 1 या कहिए अपन y माइनस का y बार r सिग्मा y अपॉन में सिग्मा x और ये x माइनस x बार। तो ये 2, ये इसका ध्यान रखेंगे आप, 1 से ही जनरेट किया अपने, इसका आप 3 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये है। अब सिमिलरली क्या रहेगा अपने पास, रिग्रेशन ऑफ लाइन x ऑन y, तो मैं बात करता हूं सेकंड की, रिग्रेशन ऑफ लाइन, रिग्रेशन ऑफ लाइन x ऑन y, ठीक है, x ऑन y क्या है, x और y को डिचेंज करते हैं इसमें और कुछ भी नहीं, x और y को डिचेंज करेंगे अपन, तो क्या रहेगा x माइनस का x बार इज इक्वल टू यहां से bxy हो जाएगा और यहां पर y माइनस का y बार। तो bxy क्या होगा, रिग्रेशन कोएफिशिएंट है और जिसकी वैल्यू वेयर, इसको आप फोर ले सकते हैं आप, वेयर where bxy is equal to r क्या होता है सिग्मा x अपॉन में सिग्मा y, कहने का मतलब है x और y ने चेंज किया है, byx से तो ये bxy है, तो ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो ये इक्वेशन में लेता हूं मैं 5। ठीक,
यानी इस फाइव का यूज में करेंगे तो ये वाली वैल्यूज यहां पर आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए आप बी वाई एक्स और बी एक्स वाई के लिए दोनों का मल्टीप्लाई ले लो मैं क्या, यानी मल्टीप्लाई बाय टू इंटू फाइव, टू और ये फाइव को मल्टीप्लाई करने पर तो क्या वैल्यू रहेगी, ये रहेगा मेरे पास आर सिग्मा वाई अकाउंट में सिग्मा एक्स इंटू आर सिग्मा एक्स अकाउंट में सिग्मा वाई इज इक्वल टू जो वैल्यूज है बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। ये क्लियर हुआ आपका? तो ये वाली जो रिजल्ट है ये तो हटा देता हूं यहां से, मल्टीप्लाई किया सिंपल क्या रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या रहेगा मेरे पास, यहां से ये जो रिजल्ट है इसके बाद आज देखो आप यहां से ये कैसे लागू हो जाएगा। देखो ये जो वैल्यू सिग्मा एक्स से सिग्मा एक्स सिग्मा वाई से सिग्मा वाई कैंसिल आउट हो गया तो रिजल्ट क्या रहा, यहां से रिजल्ट हो रहा आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, दोनों का मल्टीप्लाई है आर इक्वल टू क्या जाएगा अपने पास प्लस माइनस के फॉर्म से बी वाई एक्स और ये बी एक्स वाई आ जाएगा। तो ये रिलेशन भी आपको ध्यान में रखना है। अब r होता क्या है, कोरिलेशन होता है रिलेशन बिटवीन x एंड y, अगर r पॉजिटिव है तो मतलब x इंक्रीज हो रहा है वैसे y इंक्रीज हो रहा है, इससे पहले वाली वीडियो में इसको अपन ने एक्सप्लेन भी किया है। या फिर r नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, x इंक्रीज है तो y डिक्रीज होगा। तो अब यहां पर r प्लस ले या माइनस ले तो उस केस में आप ध्यान रखेंगे आप इफ फर्स्ट केस में आओ इफ इफ बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट दैट मींस बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट दैट मींस ध्यान ये तो दैट इज बी वाई एक्स एंड ये देखो बी एक्स वाई आर पॉजिटिव, आर पॉजिटिव क्या हो पॉजिटिव हो तो इस केस में क्या रहेगा मेरे पास, आर भी क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो इस केस में जो रिजल्ट आएगा मेरे पास इसका मतलब क्या हो गया, आर क्या लेना है आपको आर इज पॉजिटिव, ठीक है आर इज पॉजिटिव तो इसका ध्यान रखेंगे आप क्या है बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई आर पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव है तो मेरे पास क्या रहेगा आर पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली सेकंड केस की बात करूं मैं, सेकंड केस इफ बोथ कोएफिशिएंट रिग्रेशन कोएफिशिएंट रिग्रेशन कोएफिशिएंट That is, देखिए कहूँ मैं कि बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई आर नेगेटिव, नेगेटिव आर नेगेटिव दोनों नेगेटिव हो तो इस केस में जो आर आएगा, इस केस में जो आर रहेगा मेरे पास तो आर भी क्या रहेगा इसमें आर इज नेगेटिव रहेगा। ठीक है आर इज नेगेटिव रहेगा। अब आपके माइंड में याद आता होगा क्योंकि जब दोनों पॉजिटिव रहते हैं तो रूप में पॉजिटिव आएगा, दोनों नेगेटिव लेते हैं देन रूट में पॉजिटिव आएगा। अब माइंड में आता है कि सर एक एक बी वाई एक्स पॉजिटिव हो और एक एक्स वाई जैसे नेगेटिव हो तब क्या होगा, तो याद रखें कि आप एक नेगेटिव एक पॉजिटिव में क्या हो जाएगा इमेजिनरी आ जाएगा, तो ऐसा केस है भी नहीं और ये रूट आ क्या आ जाएगा इमेजिनरी है तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा क्योंकि इमेजिनरी कुछ होता ही नहीं। तो ये ध्यान रखेंगे आप पॉजिटिव और नेगेटिव का। तो अब ये तो अपने न्यूमेरिकल सॉल्व आउट किए तो इसके बेस पर अब मैं एक न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, ठीक है इसी के बेस पर एक न्यूमेरिकल भी लिया है तो न्यूमेरिकल देखेगा ये न्यूमेरिकल है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है यहाँ पर क्या है, इन ए पार्शियली डिस्ट्रॉयड लेबोरेटरी ऑन रिकॉर्ड ऑन एन एनालिसिस ऑफ कोरिलेशन डेटा द फॉलोइंग रिजल्ट ओनली आर विजिबल क्या है, वेरियंस ऑफ एक्स गिवन है कोई पार्शियली डिस्ट्रॉयड लेबोरेटरी है यानी उस लेबोरेटरी तो पार्शियली डिस्ट्रॉयड हो चुकी है लेकिन कुछ डेटा अपने पास एनालिसिस है सिक्योर किया हुआ है, उसमें क्या है वेरियस एक्स नाइन एरर है रिग्रेशन इक्वेशंस ये है उसकी और फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, मीन वैल्यू निकालनी है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई यानी आपको सिग्मा वाई फाइंड आउट करना है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई दैट मींस आप उसमें क्या फाइंड आउट करना है स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक पॉइंट ध्यान रखना इसके अंदर ये उसमें बता देता हूं मैं R की जो वैल्यूज होती है मैं R की जो वैल्यूज है वो ऑलवेज क्या रहती है R तो रहता है मेरे पास R की वैल्यू मैंने पहले भी डिस्क्राइब की है कि R की वैल्यू ऑलवेज माइनस वन टू प्लस वन ही रहती है
क्योंकि आपके पास अभी जैसे दो इक्वेशन गिवन होगी, अब आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि विच वन इज ए वाई ऑन एक्स, विच वन ऑन जे एक्स ऑन वाई। तो ऑलवेज ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर गिवन है, देखिए आपका क्या गिवन है, दो इक्वेशन गिवन है फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पर आपको देखते ही पता लगता कि विच वन इज ए वाई ऑन एक्स और कौन सी अपने पास एक्स ऑन वाई है। तो जनरली ध्यान रखना, आप फर्स्ट इक्वेशन को आप ऑलवेज वाई ऑन एक्स लेना और सेकंड इक्वेशन को आप ऑलवेज एक्स ऑन वाई लेना। अब उससे भी अपने को डिसाइड नहीं है कि राइट लिया रॉन्ग लिया है, तो फिर वो आर पर डिपेंड करेगा कि आर की वैल्यूज क्या है, ठीक है, उस पर क्या चीज पर डिपेंड करेगा, कि आर की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि आर की वैल्यू माइनस वन टू वन है आती है अपने पास तो अपन कहेंगे और अजम्पशन इज द राइट, अदरवाइज अपन कहेंगे और अजम्पशन इज ए रॉन्ग, ठीक है। तो आर की वैल्यू पर डिपेंड करेगा जो अपना अजम्पशन है वो राइट है या रॉन्ग है, इसको सॉल्व करते हैं अपन। देखिए तो सॉल्व के लिए पहले तो गिवन वैल्यूज क्या है अपने पास, देखिए हियर हियर वेरियंस ऑफ एक्स, यानी आपको वेरियंस ऑफ एक्स यानी सिग्मा एक्स आपको गिवन है 9, ये तो ये क्लियर हो गया सिग्मा एक्स 9, ठीक है। रिग्रेशन इक्वेशन आपको ये दोनों गिवन ही है, तो बस यही गिवन है अपने को ना। तो अपन इसमें क्या लेंगे, पहले तो आपको ये फाइंड आउट करते हैं द मीन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। फर्स्ट वाला देखकर देखते हैं, फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व देखते हैं इसका, फर्स्ट द मीन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बी, आप ये मान सकते हैं एक्स बार और ये वाई बार, ये मान लेते हैं इसकी मीन वैल्यू क्या है एक्स बार वाई बार। अगर ये एक्स बार वाई बार है तो उसको सेटिस्फाइड करेगी इसको भी और इसको भी, तो गिवन इक्वेशन क्या आ जाएगा मेरे पास, 8x बार माइनस का 10y बार प्लस का 66, इसको ऐसे लिखते हैं आप y बार माइनस का सॉरी इक्वल टू माइनस का 66, ये कोई इक्वेशन लगा लिया, इसे मान लगा लिया मैंने। सिमिलरली ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, क्योंकि जब अगर ये मीन है तो उसको सेटिस्फाइड करेंगे इक्वेशन को, तो मैंने सिंपली सेटिस्फाइड के बाद 2 1 4 1 को तो है ना 5 से 8 4 जा ये x बार कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या रिजल्ट आएगा मेरे पास y बार, इसको सॉल्व करके देखो क्या वैल्यू आ रही है। अब ये y बार के लिए यहां यहां पुट अप कर दें या यहां पुट अप कर दें तो आपके पास क्या जाएगा x बार आ जाएगा। तो यहां पर तो y बार की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है 17, एंड फिर ये वाली वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो अपने पास क्या जाएगा x बार = 13, ठीक है। तो x बार y बार आ गया आपके पास 13, दैट मीन द मीन ऑफ x और y मीन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स बार वाई बार और इसकी वैल्यू क्या 13 और ये 17, तो ये अपने पास फर्स्ट का आंसर आ गया। तो ये सिंपली था, कोई डाउट था नहीं इसमें। अब मैं नेक्स्ट की बात करूंगा, मैं क्या है द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो अब यहां पर आपके पास एक फाउंडेशन है कि आप फर्स्ट वाली इक्वेशन को, ये इक्वेशन है अपने पास फर्स्ट वाली इक्वेशन को आप क्या लेंगे y ऑन x लेंगे ना, तो यहां से फर्स्ट वाली इक्वेशन को हम मानेंगे let y on x be क्या मानेंगे रिग्रेशन इक्वेशन y on x, ये 8x माइनस 10y प्लस का 66 इक्वल टू 0, क्या लिया let y on x be ये वाली इक्वेशन मान ली। अगर ये y on x है तो क्या रहेगा मेरे पास, y लेफ्ट साइड में रहेगा और x राइट साइड में रहेगा, यानी y किस पर डिपेंड कर रहा है x पर, तो ये जो इक्वेशन आएगी माइनस का 10y इसको बाकी बिल्कुल ट्रांसफर कर दें यहां माइनस का 8x और माइनस का 66 और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास माइनस का 8 बाय माइनस का 10x और यहां से माइनस का 66 अपॉन में ये ब्रैकेट में लेता हूं माइनस का 10 या इसको आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस से कैंसिल आउट हो गया
तो वैल्यूज आ गई आपके पास ये 4/5x माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 66/10। इसको ऑप्शन नंबर 3 ले लीजिए। तो इसमें डाउट नहीं आना चाहिए। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को वी से दैट y ऑन x, ये वाला क्वेश्चन हटाता हूं यहां से, वाला क्वेश्चन सो गया सर को रोल नहीं। अब ये आ गए मेरे पास 3 इक्वेशंस। अब सिमिलरली क्या हो जाएगा, अगर ये y ऑन x है तो नेक्स्ट वाली इक्वेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, दैट इज एंड x रिग्रेशन ऑफ इक्वेशन लिख लेते हैं, रिग्रेशन ऑफ इक्वेशन x ऑन y v x ऑन y, तो ये एक y ऑन x है तो नेक्स्ट वाली x ऑन y है, तो क्या आ जाएगा 40x माइनस का 18y इज इक्वल टू 214। अब ध्यान रखना x और y, तो x को लेफ्ट साइड में बाकी सारी साइड को राइट हैंड साइड में ले लिया, तो यहां से 40x इज इक्वल टू 18y थोड़ा सा इसमें तो 18y प्लस का 214। और अब ये वाली लाइन बताता हूं, क्योंकि ये वाली की रिक्वायर्ड थी मेरे को, क्या है यहां से ये हम बता देते हैं, इसका कोई रोल नहीं है बस ये सवाल है, ठीक है यहां से। अब देखो इसमें क्या है, ये वाली इक्वेशन इसमें क्या है, अब इक्वेशन की जो कंपैरिजन करेंगे यहां पर, तो आपको ध्यान रखना होगा इसका कि जो इक्वेशन है मेरे पास y = a + bx है, और ये जो b की बात कर रहा था हमने, ये b है देखिए आप, सॉरी यहां से ये, अब यहां से b की x y का जो y का y on x की इक्वेशन देखो, ये y on x है, तो x का जो कोफिशिएंट है, ये जो x का कोफिशिएंट है वो क्या होता है मेरे पास, r सिग्मा y कोण सिग्मा x होता है, या जिसको अपन कह सकते हैं byx, ठीक है byx, इसका ध्यान रखना पड़ेगा, इन x का कोफिशिएंट वी से दैट byx, अभी जो डिसाइड कर रहे थे अपन byx, तो ये भी ध्यान रखना आपको। तो ये रिग्रेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या रहेगा इसमें, इसको लिखेंगे अपन बी वाई एक्स, वाई ऑन एक्स थ्री अपने पास बी वाई एक्स होता क्या है, ये आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 4/5 आ गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 ले लेंगे, क्लियर, इसका माइंड में रखेंगे, क्योंकि अपने को सिग्मा वाई सिग्मा एक्स आर इनमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो ये वाली इक्वेशन समझ में आई होगी। अब मैं यहां पर आता हूं वापस, वो तो अपने को निकल जाएगा ये वाली पॉइंट के लिए, तो ये क्या है x और y, तो यहां से मेरे x इक्वल टू क्या आ जाएगा 18/40y प्लस का 214/40 का डिवाइड कर दिया, और थोड़ा सा सिंपल और करते हैं इसको अपन, तो ये आ जाएगा 9/20y प्लस का, इसको करने की जरूरत नहीं है 40 यार मेरे पास, तो इसमें क्या रहेगा हियर या हियर, ये क्या अपने पास रिग्रेशन ऑफ कोफिशिएंट, इसमें क्या आएगा बी एक्स वाई, देखो यहां से फिर अगेन मैं जाता हूं वहां पर, यहां से देखिए आप ये जो क्वेश्चन थी मेरे पास x और y सेकंड वाली, ये मान लिया अपने x और y लिए, तो x और y लिए यहां से ना ये, तो क्या देखो ये जो y का जो कोफिशिएंट है, ये y का कोफिशिएंट क्या है bx y है, bx y क्या होता है r सिग्मा y / सिग्मा x, तो ये मैं वहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो यहां से देखेंगे bxy, bxy की वैल्यूज क्या आएगी मेरे पास, bxy क्या होता है r सिग्मा x अपॉन में सिग्मा y इज इक्वल टू 9/20, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 5 ले रहा हूं, क्योंकि अपने लिए तो 4 और 5 ही इंपॉर्टेंट है, यहीं पर अपने पास रिलेशन है r और सिग्मा जो x था अपने पास, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो वी गेट द रिजल्ट, तो क्या करना है आपको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं आप, ठीक है दोनों को ही मल्टीप्लाई करते हैं इसको 4 एंड 5 को, तो मेरे पास रिजल्ट क्या रहेगा, अब मैं फर्स्ट ले रहा हूं वी मल्टीप्लाई नाउ नाउ 4 × 5 सिंपली ले रहा हूं मैं 4 × 5, तो 4 × 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यूज क्या आ जाएगी, या तो फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं आप डायरेक्ट में, ये वाला फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, यहां तो डायरेक्ट है ये वाला फार्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हैं, r = √2
यहां से देखेंगे आप ये कैंसिल आउट हो जाता है, सिग्मा वाई से सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स से सिग्मा एक्स, क्लियर है। और ये 4 5 जा दिया जाएगा और कैंसिल आउट होके 9/25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ आया होगा आपके। अब मैं ये सब तो हटा देता हूं यहां से, ये तो इसके नेक्स्ट जो देखेंगे क्या ले रहा हूं, इसके बाद क्या है, दैट मींस r इन टू r स्क्वायर, यानी जो रिजल्ट आया मेरे पास r स्क्वायर इज इक्वल टू 9/25, या v से दैट r इज इक्वल टू जो वैल्यू आएगी आपके पास प्लस माइनस 0.6 आ जाएगा, r इक्वल टू प्लस माइनस 0.6, ठीक है। तो एक पॉइंट तो ये कंफर्म हो गया कि r की वैल्यू -1 to 1 आ रही है ना, यानी r जो आ रहा है मेरे पास ये r 1 to 1 आ रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो अपने अजम्पशन लिया था अपने फर्स्ट इक्वेशन को आपने y on x लिया था और सेकंड इक्वेशन को x on y जो माना था तो ट्रीट किया है वो राइट है माना, क्योंकि r वैल्यू क्या 0.6 आ रही है, तो -1 to +1 के मिडल में है। अब यहां से डिसाइड करते हैं कि r प्लस नहीं है माइनस नहीं, तो बताओ r प्लस नहीं है माइनस नहीं, कैसे एनालिसिस करेंगे आप। तो एनालिसिस के लिए यहां से देखेंगे आप ये r b कोएफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव है, ये भी कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास, ये भी पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है, देन वी टेक r इज ए पॉजिटिव, ठीक है। तो फिर आप r क्या लेंगे पॉजिटिव, तो देखेंगे आप हियर टेकिंग, यानी कि दोनों टेकिंग r इज इक्वल टू 0.6, दैट मींस पॉजिटिव, क्लियर है। r की वैल्यू क्या है यहां पर पॉजिटिव है, इन दोनों में पॉजिटिव कोएफिशिएंट r आ गया मेरे पास, या इसको आप ये कह सकते हैं कि बोथ बोथ बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई, बी एक्स वाई, बोथ बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई आर पॉजिटिव, ठीक है। ध्यान में रहेगा आपको आर पॉजिटिव क्यों लिया, कि दोनों जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है पॉजिटिव है तो आर पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव, जो अभी अपने डिस्क्राइब किया था, तो ये वाला वर्क कर लिया आपने। अब देखो आपको क्या गिवन था इसके साथ, यहां से वेरियंस ऑफ एक्स आपको गिवन था ना, ये हटाता हूं मैं। अब यहां से क्या चाहिए अपने को, अब ये एक आंसर आ गया, अभी नेक्स्ट वाला भी आ गया आंसर अपने पास, ये तो एक बार के लिए हटा ही देता हूं यहां से, ठीक है। तो ये देखिए आप, ये 4 और 5 का मैं यूज करूंगा, ये हटा रहा हूं, तो ये तो यूज करना है मेरे को, ठीक है, ये हट गया। अब यहां से देखेंगे आप, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है और ये मेरे पास क्या है 5 5, इन दोनों से अपने को क्या फाइंड आउट करना है, सिग्मा वाई की वैल्यूज। सिग्मा वाई कैसे करेंगे आप, ये 4 और वो 5, तो क्या लेंगे आप 4 / 5 कर दो आप, 4 / 5, और आपको क्या गिवन है सिग्मा एक्स की जो वैल्यूज है वेरियस ऑफ एक्स, तो वेरियस ऑफ एक्स मतलब सिग्मा स्क्वायर एक्स, सो यू टू चेक कर लेना अभी, वो सिग्मा एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, सिग्मा एक्स क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, उसको चेक कर लेना थोड़ा, क्योंकि मैं सिग्मा एक्स लिख दिया वहां पर, सिग्मा स्क्वायर एक्स होता है वेरियंस, तो ये वेरियंस है, यानी वेरियंस ऑफ एक्स यानी सिग्मा स्क्वायर एक्स, तो थोड़ा वहां चेंज करना स्टार्टिंग में, ये वैल्यू 9 है, इसको ध्यान रखिएगा आप, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो 4 को डिवाइड करें आप 5 से, तो 4 को डिवाइड करें आप 5 से, तो ये वाली वैल्यू आ गई, ये 4 यहां पर आ जाएगा, r सिग्मा y / में सिग्मा x / 5 r सिग्मा x / में, यहां पर सिग्मा y इज इक्वल टू ये 4 और 5 और वो जो वैल्यू है 9/ में, ठीक है 4.5/9/20, तो आप यहां से देखेंगे, अब इसको डाल देते वैल्यू डिवाइड किया हमने, ये क्या रहेगा यहां पे देखें, अब r से तो r कैंसिल आउट हो जाएगा, ये r से ये r कैंसिल आउट हुआ, और क्या रहेगा 5 4 जा ये भी हो गया, अब जो वैल्यू जाएगी आपके पास वैल्यू जाएगी यहां से सिग्मा वाई, यहां से सिग्मा स्क्वायर वाई हो जाएगा अपॉन में सिग्मा स्क्वायर एक्स, और ये जो वैल्यू जाए 16/9, तो ये तो कैलकुलेशन है।
अब आपको सिग्मा स्क्वायर एक्स को गिवन है वेरियंस, इसका ध्यान रखना ठीक है, सिग्मा स्क्वायर एक्स ये आपको गिवन है, दैट मींस सिग्मा स्क्वायर वाई अपॉन में 9 आ गया, ये 16 अपॉन में 9, तो ये भी आपके पास क्या हो गया कैंसिल आउट होकर, ये कैंसिल तो वैल्यू क्या आ गई सिग्मा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 16 आ जाएगा, या आप कहते हैं सिग्मा वाई इज इक्वल टू 4 ठीक है, तो ये भी आपको पॉजिटिव लेना है, दोनों पॉजिटिव आ गए, दैट मींस आपके पास क्या रिजल्ट आ गया, कंफ्यूजन की जो बात हुई है तो यहां से सब बता देता हूं, दैट मींस क्या रिजल्ट निकला अपने पास, दैट मींस सेकंड था अपने पास सिग्मा वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ या वेरियंस ऑफ वाई या सिग्मा स्क्वायर वाई इसकी वैल्यू क्या आ गई 60, या फिर कह सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई यानी सिग्मा वाई इज इक्वल टू 4, तो एक आंसर तो ये आ गया आपके पास। थर्ड वाला था आपके पास कोरिलेशन कोफिशिएंट, दैट मींस आर, और आर की वैल्यू क्या आ गई 0.6, तो ये भी आपके पास आंसर आ गया ठीक है, तो सेकंड और थर्ड फर्स्ट पहले सॉल्व किए था, तो ये न्यूमेरिकल वेरी इंपॉर्टेंट था इसके बेस पर, और नेक्स्ट वाला मैं क्लियर आ रहा हूँ एंगल के बेस पर रहेगा टेन थीटा का, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और आप प्ले लिस्ट जरूर चेक करें, प्ले लिस्ट बना रखी है तो प्ले लिस्ट चेक करें, फिर भी कोई डाउट है तो उसको आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर इंक्लूड करें या फिर मेल करें मेरे को, ताकि वीडियो को और इम्प्रूव कर सके अपन। थैंक यू वेरी मच।